तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 7.7 जो कि है पावर इन एसी सर्किट्स और पावर फैक्टर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि द वीएफसी दैट अ वोल्टेज यूज्ड टू बीएम साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू सीरीज आरएलसी सर्किट ड्राइव्स अ करंट आई इज टू द आईएम साइन ओमेगा टी प्लस 5 जहां आईएम का फार्मूला वीएम बाय जेड जानते हैं और टैन फाई का फार्मूला एक्ससी माइनस एक्सएल बाय आर जानते हैं। द इंस्टेंटेनियस पावर पी सप्लाइड टू द सोर्सेस, बस आप तो यही हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट, यही हेडिंग दे दीजिए। इंस्टेंटेनियस पावर इंपॉर्टेंट नहीं, स्मॉल पी से लिख रहे हैं, ये वी इनटू आई है। स्मॉल पी मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं, वी की जगह हम वी एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और अगर हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे इन जनरल लिखा जा सकता है। ये डिस्कशन इस समय जो हो रहा है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला तो फिर भी थोड़ा काम का हो सकता है, पर मैं इस पर एक स्टार देने लायक भी इम्पोर्टेंस फील नहीं करता। आधा स्टार दे सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, ये वाला जो स्टेप है ये काम का नहीं है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है इंस्टेंट का वोल्टेज इंटू उसी इंस्टेंट का करंट, बस। हाँ, अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे जरूर साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के, तो ये कुछ आ रहा है आंसर। इसकी मैथमेटिक्स उसे आती नहीं है, साइन ए साइन बी या टू साइन ए साइन बी से फॉर्मूला लगाया जा सकता है, कॉस वाई माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो फिर और भी कचरा है, एनसीईआरटी ने दिया है तो मैंने कॉपी कर दिया, पर ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके काम की बात नहीं है। काम की बात केवल यह है कि कह रहा है कि इसके लिए आप पूरी साइकिल के लिए यदि एवरेज निकालें ना, तो इट इज ओनली द सेकंड टर्म विच इज टाइम डिपेंडेंट। तो ये जो टर्म है जो टाइम डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू पूरी साइकिल के साथ जीरो आ जाएगी, ये बच जाएगा, है ना। ऐसा आप लिख सकते हैं कि एवरेज ऑफ द सेकंड टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, एवरेज ऑफ द सेकंड टर्म इनसाइड द ब्रैकेट ओवर वन फुल साइकिल ऑफ एसी इज जीरो। ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। खैर, हमें सिर्फ फाइनल फॉर्मूले से मतलब है, इफ इट्स एवरेज जीरो पॉजिटिव हाफ साइकिल, हम मतलब सिमेट्री के कारण पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल एक दूसरे को कैंसिल कर ही देंगे। तो जो पावर है उसका फॉर्मूला आ जाएगा वी एम आई एम बाय टू इंटू कॉस वाई, ये पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। आप Vm इसे Vm बार रूट टू लिख सकते हैं, Im को ये Im बार रूट टू लिख सकते हैं, ये टू जो था इसको मैंने रूट टू इंटू रूट टू को लिया, एक रूट टू इसको दे दिया, एक रूट टू इसको दे दिया। तो पावर का एक्चुअली फॉर्मूला ये हो गया, और Vm बार रूट टू है Vrms, ये कैपिटल में लिख दिया है Vrms IRMS cos phi, ये पावर का बढ़िया फॉर्मूला है हमारा VRMS IRMS cos phi, और हम पावर को खाली V I cos phi लिख सकते हैं। खाली V तो मतलब इफेक्टिव V यानी RMS V, जब खाली I तो भी इसका मतलब है RMS वाला I, और P V एवरेज पावर, ये बात हम पहले कर भी चुके हैं आपसे। बस तो मेरे हिसाब से तो जो काम का फॉर्मूला है आपके, अगर आप दोबारा हेडिंग दे दीजिए, फिर से हेडिंग दे दीजिए पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, और हम उसके वेरियस फॉर्म्स लिख रहे हैं। पावर इन एसी सर्किट को सीधे मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आई कॉस फाइव, यहाँ ये इम्प्लाइड है कि वी भी आर एम एस वाला है, आई भी आर एम एस वाला है। हाँ, मैं इस फॉर्मूले पे पांच स्टार देना चाहूंगा। इंस्टेंटेनियस पावर पे कभी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये पूरा एवरेज पावर है पूरी साइकिल का, ये किसी इंस्टेंट का पावर नहीं, इसीलिए मैंने इसे कैपिटल पी लिख दिया। लिख दीजिए दिस इज द एवरेज पावर ऑफ द एंटायर साइकिल, पूरी साइकिल का पावर है ये, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। जो टाइम डिपेंडेंट चीजें होती हैं उसमें हम
छोटा पी लिखते हैं, छोटे लेटर्स लिखते हैं, इसको कैपिटल पी लिख दिया, क्योंकि एवरेज पावर है पूरी साइकिल का, इसे स्मॉल पी नहीं, अब हम कैपिटल पी लिख रहे हैं। अब आप हेडिंग आगे लिख दीजिए अदर फॉर्म्स, अदर फॉर्म्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट्स, अदर फॉर्म्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट्स। आप वी को आई जेड लिख सकते हैं इनटू आई कॉस फाइव, तो जाएगा आई स्क्वायर इनटू जेड कॉस फाइव, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये फॉर्मूला ये हो गया, इसमें हमने क्या किया है, वी को एलिमिनेट किया है। जब सवाल में आपको भी ना दिया गया हो तो आप ये कर सकते हैं, और एक तरीका ये हो सकता है कि आई को वी बाय जेड लिख दो, वी और वी को लिख दो, आई को लिख दो वी बाय जेड कॉस फाइव बस। तो ये भी ये पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय जेड कॉस फाइव, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, थोड़ा बहुत काम का ये दूसरा फॉर्मूला है, ये कैपिटल लिखेंगे, मतलब ये रीअरेंज आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जिसके आपको दिया या नहीं दिया। अगर वी भी दिया और आई भी दिया है तो बेस्ट फॉर्मूला तो खैर वही है डेफिनेटली, अगर वी नहीं दिया है तो हम इसको रीअरेंज कर ही लेंगे। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू समथिंग होता था, वैसे भी वहाँ आई स्क्वायर इंटू आर होता था, तो यहाँ आई स्क्वायर इंटू समथिंग है और वहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर होता था। खैर कॉस फाइव का टर्म न्यूमरेटर में ही आ रहा है, ठीक है, जरूरत जैसी पड़े आप इसे कर सकते हैं। अभी हम कॉस फाइव को भी डिफाइन करेंगे, उसके बाद पावर के एक दो फॉर्मूले और आ जाएंगे, तब हम कंप्लीट समरी में सारी बातें लिखवा देंगे। पावर काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम फील्ड में इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो ध्यान देंगे हम इनके सभी फॉर्म्स में। फिलहाल तो खैर अगर आपको पावर का फॉर्मूला वी आई कॉस फाइव याद है और साथ में एसी सर्किट में ये याद है कि आई वी बाय जेड होता है, तो आप रीअरेंज सब कुछ कर ही लेंगे। पावर का फॉर्मूला एक वी आई कॉस फाइव याद है और एक आई का फॉर्मूला वी बाय जेड याद है, तो हम जरूरत पड़ने पर सब कुछ रीअरेंज कर ही लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है एवरेज पावर डिसिपेटेड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वोल्टेज एंड करंट बट आल्सो ऑन द कॉज ऑफ द फेज एंगल बिटवीन देम, बस ये लिख दीजिए। इन एसी सर्किट्स एवरेज पावर कंज्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर वन, एवरेज पावर डिपेंड्स ऑन नंबर वन वोल्टेज, नंबर टू करंट, एंड नंबर थ्री पावर फैक्टर, नंबर थ्री कॉस फाइव, और कॉस फाइव को ब्रैकेट में पावर फैक्टर कह दीजिए, कॉस फाइव या कॉज ऑफ फेज एंगल पावर फैक्टर कॉस फाइव। पावर तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक वी पे, एक आई पे और एक कॉज ऑफ फेज एंगल पे डिपेंड करता है, बस। तो पावर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है इस पे भी याद, दो स्टार दे दीजिए। अब आप हेडिंग दे दीजिए पावर फैक्टर, अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पावर फैक्टर पे पांच स्टार दे दीजिए, कॉस फाइव को पावर फैक्टर दे। और अगर मैं अपने ट्रायंगल पे चला जाऊं, ओमिक ट्रायंगल पे जो आर होता है, जो एक्स होता है और जेड होता है, तो यहां से कॉस फाइव को अगर मैं निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस फाइव का फॉर्मूला आर बाय जेड है, इस पे भी आप वापस से पांच स्टार दे दीजिए। कॉस फाइव का फॉर्मूला और बाय जेड, ध्यान ये रखिएगा, वैसे तो इसमें ज्यादा सिली मिस्टेक का चांस तो नहीं है, पर फाई को पावर फैक्टर एंगल भी कहते हैं, ऐसा लिख दीजिए ना, फाई इज कॉल्ड फेज एंगल और पावर फैक्टर एंगल। फाई को अपन चाहे तो पावर फैक्टर एंगल भी कह सकते हैं। कॉस फाई का फॉर्मूला आर बाय जेड बिल्कुल पांच स्टार वाला है, काम का है। कॉस फाइव का फॉर्मूला बहुत ही काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है। तो वार्निंग एक लिख दीजिए, हालांकि ऑप्शंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस वार्निंग का कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा, फिर भी लिख दीजिए, ये न्यूमेरिकल्स रीड केयरफुली, न्यूमेरिकल्स में ध्यान से देखें, न्यूमेरिकल्स read carefully whether we have to calculate the power factor or the power factor angle. Power factor nikalna hai ki power factor angle nikalna hai,
यहाँ तक आप पावर फैक्टर देखते हैं, शायद उसके आगे आप पढ़ते ही नहीं है। हो सकता है उसने कहा पावर फैक्टर एंगल निकालो, हालांकि आप ऑप्शन के यूनिट पे जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, अगर पावर फैक्टर एंगल उसने पूछा है तो सब डिग्री या रेडियन में ऑप्शन होंगे, और पावर फैक्टर बोला है तो -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू होगी। मैं तो यहाँ पर अब cos phi पढ़ लेने के बाद पावर फैक्टर इसलिए इसको कहते हैं, पावर फैक्टर इसलिए इसको कहते हैं कि भाई डीसी सर्किट्स में तो पावर वी आई होता था, एसी सर्किट्स में आप जब तक इसे cos phi से मल्टीप्लाई नहीं करते तब तक ये पावर बनता नहीं। डीसी सर्किट्स में पावर होता है वी इंटू आई, और एसी सर्किट्स में आप इसे पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए वी आई को, तब जाके ये ट्रू पावर बनता है। एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पावर मिलता है, कॉस फाई नामक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पावर मिलता है एसी सर्किट्स में, इसलिए इसका नाम शायद पावर फैक्टर है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी आई इज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर, व्हेन वी आई इज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर व्हेन वी गेट पावर इन एसी सर्किट्स, वी गेट पावर इन एसी सर्किट। पावर वी आई जो है डीसी पावर इज टू वी टू आई, डीसी सर्किट में जो पावर था वो वी टू आई था। पर एसी सर्किट में जो पावर है वो वी आई नहीं है, वो वी आई कॉस पाई है। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब चूंकि मैं कॉस पाई पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं पावर के और एक्सप्रेशन देखता हूँ। फिर से हेडिंग दे दीजिए, वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन एसी सर्किट्स, वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन एसी सर्किट्स। अब मैं क्योंकि cos phi पढ़ चुका हूँ तो मैं अब इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं एवरेज पावर की बात कर रहा हूँ, तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते तो वी टू आई होता, हम उसकी बात कभी करते ही नहीं, ये ना भी लिखे तो चलेगा। आप तो पी को वी आई cos phi लिखिए, और यहाँ ध्यान रखिए कि हमेशा वी खाली वी यानी आर एम एस, और आर एम एस वोल्टेज खाली आई यानी आर एम एस का, इसको मैं को आई से लिखकर आई कॉस फाइव लिख चुका था, तो मैं इसको आई स्क्वायर इनटू जेड कॉस फाइव लिख चुका था। और अभी अभी मैंने पढ़ा है कॉस फाइव का फॉर्मूला आर बाय जेड होता है, तो कॉस जेड कॉस फाइव की वैल्यू आर होती है, तो पावर का फॉर्मूला एक शानदार ये भी है मास्टर वगैरह। जेड कॉस फाइव को आर लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स आई मतलब आई आर एम एस। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आ रही है कि एसी सर्किट में अगर मैं कहता खाली रेजिस्टेंस का पावर बताओ तो भी आई स्क्वायर आर आता, खाली रेजिस्टेंस जो पावर कंज्यूम कर रहा है अगर मैं कहता वह बताओ तो भी इसका आंसर आई स्क्वायर आर आता, मतलब साफ है। और ये जो पावर हम शुरू से लेके चले ये रेजिस्टेंस का पावर नहीं था, ये पूरे एसी सर्किट का पावर था। हम समझ रहे हैं पूरे एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है वो खाली रेजिस्टेंस ही करता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्योर इंडक्टेंस एल पे कोई पावर एवरेज पावर एल का जीरो होता है और सी का भी एवरेज पावर जीरो होता है, तो इसका मतलब एसी सर्किट में खाली रेजिस्टेंस पावर खाता है। ऐसा लिख दीजिए फिर से पांच स्टार लगा के, इन एसी सर्किट टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज सेम एज द पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर अलोन। जितना रेजिस्टेंस पावर खाएगा वही टोटल पावर भी है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इवन व्हेन नॉट एट रेजोनेंस। जब रेजोनेंस है तब तो आपको लगता है सर्किट में खाली आर है, हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा की बात कर रहे हैं, हम पूरे वी आई कॉस फाइव को लेकर चले हैं, इससे ज्यादा जनरल कुछ भी नहीं है। ये जो पावर है और कारण आप लिख दीजिए, बिकॉज एवरेज पावर ऑफ एल ऑब्लिक सी, एवरेज पावर ऑफ एल ऑब्लिक सी फॉर फुल साइकिल इज जीरो। इंडक्टर पावर खाता नहीं है, कैपेसिटर पावर खाता नहीं है, तो खाली जो रेजिस्टेंस जितना पावर खाता है वही पूरे एसी सर्किट का भी पावर है। पावर के आप जब न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो मैं तो अब इससे भी ज्यादा अच्छा फॉर्मूला इसी को मानता हूँ। आपको पावर के लिए फॉर्मूला आई स्क्वायर आर ही लगाना पड़ेगा, पावर के लिए फॉर्मूला आई स्क्वायर आर ही लगाना पड़ेगा, पर आई जब आप निकालोगे ना तो वी बाय जेड से निकालोगे। इसके मैं स्टेप्स लिखवा देता हूँ, ये फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसको मैं लिख दीजिए दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। हालांकि डिपेंड करता है सवाल में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, पर मैं तो कहूंगा कि ये बेस्ट फॉर्मूला है
पावर के लिए भी भाई आई कॉस फाइव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, हियर आई इज आई आर एम एस, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात है आई इज इक्वल टू वी बाय जेड, आई जो है वो वी बाय आर नहीं है, इसके स्टेप्स तो यही है, स्टेप्स तो यही है, पावर इज आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर, और आई आर एम एस होगा वी आर एम एस बाय जेड। हाँ, जेड निकालने के लिए आपको पूरा वो नाटक करना पड़ेगा जो आप करते थे। ये हम खाली रेजोनेंस के समय की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, नॉन रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। इन स्टेप्स से आप पावर कैलकुलेट करिएगा, ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल होता है, फिर भी इसके आने की संभावना है। सिर्फ रेजिस्टेंस ऐसा लग रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही है सर्किट में, हालांकि सब है। एल और सी सर्किट के जेड में तो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सो लिख दीजिए एल एंड सी कॉन्ट्रीब्यूट टू जेड, ये कर रहे हैं, जेड में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। L and C contribute to Z and thus they affect the strength of current in the circuit. L or C Z को contribute कर रहे हैं और circuit के current को भी affect करते हैं, circuit के current को भी affect करते हैं, but circuit के current को भी affect करते हैं but do not consume any power. Power के formula में वो सब I नहीं है, I Z के formula में आते हैं। आई एल और सी से प्रभावित होगा पर पावर एल और सी से डायरेक्टली प्रभावित तो नहीं होगा, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस खाएगा पावर वही टोटल पावर हो, जितना भी रेजिस्टेंस खाएगा वही टोटल पावर हो। अब इसमें हम और भी अगर फॉर्मूलों पे आगे जाएं, अगर और फॉर्मूलों पे आगे जाएं, यहीं से हम शुरू करें इसी से। अब ये फॉर्मूले की बात तो मैं बी को अब बी की आई के लिए बी बाय जेड लिख रहा हूँ, तो ये v by z, v into v by z cos phi, तो v square by z cos phi, ये तो चार हमने पढ़ लिया था। और cos phi को आज वापस अगर आपको लिखना है तो cos phi को आप वापस r by z लिख सकते हैं, ये v by r का square into r हो जाएगा, v by z का square, अच्छा वो आई से आ ही रहा है। Anyway, ये सब भी काम के I को डायरेक्ट में V by Z लिख लेता तो भी ये I जाता, ये डेरिवेशन मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मैं सीधे I को V by Z लिख लेता, ये भी एग्जाम में आया है, मैं इस बार पावर का पूछा खाली फॉर्मूले ही पूछा है और V square by Z square into R ऐसा ऑप्शन दिया। हाँ, V by Z को I देख लो, अगर पावर का ये फॉर्मूला आपको ज्यादा पसंद है तो V by Z को I देख लो, ये भी काम बन तो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा अच्छा फॉर्मूला यही है, इसी को मैं थर्ड फॉर्मूला बोल देता हूँ। पावर के बारे में जितनी बातें आप की जा सकते हैं करिए, सारी की सारी मैथमेटिकल बातें हैं, थ्योरी कुछ है ही नहीं। पावर है वी आई कॉस फाई, या कॉस फाई है पावर फैक्टर। हम बस इसने केस वन केस टू केस थ्री वगैरह बना के दिए हुए हैं और वही मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप हेडिंग दे दीजिए पावर फैक्टर इन वेरियस सर्किट्स। Power factor in various circuits. Case one लिख दीजिए, case one pure resistive circuit. Pure resistive circuit. अगर pure resistive circuit में AC देते हैं तो हम जानते हैं, ऐसा लिख दीजिए पूरा, कि voltage and current are in phase. अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, फाई जीरो वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं। मुझे पता है कि यदि वोल्टेज ऐसा होता है तो करंट ऐसा होता है, इनमें फाई जीरो होता है तो कॉस फाई यानी कॉस जीरो यानी पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव का वन कॉस का ये ग्राफ होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है। प्योर रेजिस्टेंस में V और I में फेज डिफरेंस है ही नहीं, V और I में फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर वन होता है। लिख दीजिए, सो नेक्स्ट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट।
प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर वन है, मैक्सिमम है, तो पावर कंज्यूम्ड भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम होता है। बाकी सर्किट्स में जब जेड बढ़ जाएगा तो आई कम हो जाएगा, और फिर आई पावर तो आई स्क्वायर आर ही होगा, पर बाकी अगर सर्किट में कुछ भी और है तो जेड बढ़ जाएगा तो आई कम हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर का आई कम हो गया। प्योरली इंडक्टिव सर्किट और उसी में चलिए कैपेसिटिव भी कर दीजिए, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, तो उसमें हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है और प्योर कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है। प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, प्योर एल हो या प्योर सी हो, तो प्योर एल में मुझे मालूम है अगर वोल्टेज ये होता है तो करंट ये होता है, और प्योर सी में मुझे मालूम है अगर वोल्टेज ये होता है तो करंट ये होता है। फाई 90 डिग्री है और पावर फैक्टर यानी कॉस 90 कॉस के ग्राफ से और पावर फैक्टर इज जीरो, तो प्योर एल या प्योर सी में पावर फैक्टर जीरो है। प्योर एल या प्योर सी में पावर फैक्टर जीरो है, रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर मैक्सिमम है और इसमें पावर फैक्टर जीरो है प्योर एल या प्योर सी में, क्योंकि लैगिंग है या लीडिंग है पर एंगल है तो 90 डिग्री, लैगिंग है या लीडिंग है पर एंगल है तो 90 डिग्री। नो पावर इज, लिख दीजिए, नो पावर इज डिसिपेटेड इन प्योर एल ऑब्लिक प्योर सी, नो पावर इज डिसिपेटेड इन प्योर एल ऑब्लिक प्योर सी, पावर जीरो है, लिख दीजिए पावर इज जीरो, पावर इनका पावर जीरो है, इनका पावर जीरो है, और यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की यूनिट है वॉट, डब्ल्यू ए डबल टी। तो ये जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट में, करंट तो है, ये जो करंट है उसमें वॉट्स ही नहीं है, लिख दीजिए अगली लाइन में हेडिंग दे दीजिए वॉटलेस करंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन पे आपको कायदे से अभी तो इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉटलेस करंट, और दो स्टार दे दीजिए अभी तो इस पे आप वॉटलेस करंट, और इतना ही लिख दीजिए पावर ड्रॉ बाय प्योर इंडक्टर, सॉरी करंट ड्रॉन बाय प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, करंट ड्रॉन बाय प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर डज नॉट कैरी एनी वॉट्स विद इट, करंट ड्रॉन बाय प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर डज नॉट कैरी एनी वॉट्स विद इट, पावर नहीं है ना उसका, एंड देयरफॉर करंट ड्रॉन बाय प्योर एल ऑब्लिक प्योर सी, current drawn by pure L oblique pure C is entirely wattless, पूरा का पूरा current wattless है, current तो है पर उसमें watts नहीं है, इस current को wattless current कहते हैं। wattless current के बारे में कुछ और ज्यादा important बातें आएंगी वो बाद में देखते हैं। case 3 पे आइए, case 3 लिखिए LCR series circuit, LCR सीरीज सर्किट के बारे में मैं तो खैर पहले यही कहना चाहूंगा, ऐसा लिख दीजिए कि फाई लाइज बिटवीन 0 एंड 90, फाई लाइज बिटवीन 0 एंड 90, सो कॉस फाई लाइज बिटवीन 0 एंड 1, कॉस फाई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। LCR सर्किट में फाई अगर प्योर आर हो तो फाई जीरो है, प्योर एल है तो 90 है, प्योर सी है तो 90, और इसके अलावा अगर कुछ भी और है तो एंगल, मतलब आर भी है अगर सर्किट में, ये जो एलसीआर है हम जानते हैं कि एलसीआर सर्किट कभी एलआर जैसा बिहेव करता है कभी आरसी जैसा बिहेव करता है, तो एंगल अब जीरो, प्योर आर होता तो जीरो होता, प्योर एल होता तो 90 होता, एलआर होगा तो बीच में कहीं होगा, ठीक है, इनका पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में लाया करता है, इतना इनके लिए काफी। कह रहा है फाइव मे बी नॉन जीरो, मैं इसको अलग से लिखवा देता हूं, इसमें आप भाई चलिए ऐसा ही लिखिए कि एलसीआर सर्किट
will sometimes behave as LR. कभी कभी ये LR जैसा बिहेव करेगा जब इंडक्टर भारी पड़ेगा. कभी ये LR जैसा बिहेव करेगा कॉमा sometimes behaves as RC. कभी ये RC जैसा बिहेव करेगा जब कैपेसिटर XC डोमिनेटिंग होगा. XL की तुलना में XC डोमिनेटिंग होगा तो ये RC सर्किट होगा. एंड एट रेजोनेंस इट बिहेव्स एज प्योर R. LCR सर्किट तीन तरह से बिहेव कर सकता है. LCR सर्किट कभी LR की तरह बिहेव करेगा, कभी RC की तरह बिहेव करेगा और रेजोनेंस पे ये प्योर R की तरह बिहेव करेगा. तो LR की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर LR सर्किट की बात करें तो एंगल थोड़ा लैग करेगा, RC की बात करें तो एंगल थोड़ा लीड करेगा. प्योर R होता तो एंगल जीरो होता, प्योर L या प्योर C होता तो एंगल 90 होता. अब इंडक्टर है तो करंट 90 से लैग करना चाहता है, पर रेजिस्टर भी है तो पूरा 90 से लैग नहीं करना चाह कर पाएगा, वो जीरो और 90 के बीच में एंगल से लैग करेगा. इसी तरह अगर आरसी सर्किट की बात करूं तो कैपेसिटर होता तो करंट 90 से लीड करता, और रेजिस्टर भी है तो करंट 90 से लीड नहीं कर पाएगा. रेजिस्टेंस चाहता है करंट जीरो के एंगल पे चले, कैपेसिटर चाहता है करंट 90 के एंगल पे चले, तो एक्ससी और आर में लड़ाई होगी और जो जीतेगा उसके हिसाब से फैसला होगा. अगर R डोमिनेटिंग है RC सर्किट में तो एंगल 0 डिग्री नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री टाइप का होगा. अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग है, XC जो है R से बहुत बहुत ज्यादा है, तो एंगल 90 डिग्री लीड ना होके 88 डिग्री या 89 डिग्री लीड टाइप का होगा. खैर ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मैंने बता दिया. हाँ इंपॉर्टेंट बात ये जरूर है, फिर से डैश करके लिख दीजिए कि या क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट इज द पावर फैक्टर, what is the power factor of LCR series at resonance? हाँ ये important question है. दो star हम या तीन stars पे दे रहे हैं. Power factor of LCR series at resonance, केवल यही आपसे कोई पूछेगा. LR और RC को आपसे कोई नहीं पूछेगा. LCR at resonance, तो आप तो बोल दीजिए it is pure resistive. The circuit behaves as pure resistive circuit. और pure resistive में तो phi zero होता है. और phi zero होता है, cos phi one होता है. LCR सर्किट अगर रेजोनेंस पे होगा तो पावर फैक्टर वन होगा. LCR सर्किट अगर रेजोनेंस पे होगा तो पावर फैक्टर वन होगा. ये इंपॉर्टेंट बात है. LCR के सारे केसेस हो गए, मैं एक बार पढ़ता हूँ. केस थ्री को कहता है LCR सीरीज सर्किट. इन एन LCR सर्किट पावर डिसिपेटेड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. वो फिर LCR सर्किट में जनरल पावर की बात, तो जनरल तो पावर यही था VI cos phi, यहां पर वेयर tan phi इसको XC माइनस XL बाय ये बात कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल. LCR सीरीज सर्किट में पावर की इक्वेशन ये दी है. हमें पावर से क्या लेना देना, हमें phi से मतलब है, पावर फैक्टर ने phi से मतलब है. खैर ओके, फाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर है, तो कहता है फाई में भी नॉन जीरो, ये एलआर भी बन सकता है, ये आरसी भी बन सकता है, ये एलसीआर भी बन सकता है. कहता है इवन इन सच केसेस पावर रेजिस्टेड ओनली रेजिस्टर. ये बात मैंने पहले भी लिखवाई थी, फिर से लिख दीजिए. लिख दीजिए इवन इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में पूरा है एलसीआर, पूरा है एलसीआर ऑब्लिक एलआर ऑब्लिक आरसी, कोई भी केस हो, एलसीआर हो एलआर हो RC हो, power is dissipated across resistance only. कोई भी हो, कोई भी सर्किट हो, पावर खाली रेजिस्टेंस खाता है. अच्छा केस फोर जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, फिर से लिख दीजिए आप. खैर फिर से लिख दीजिए केस फोर, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन LCR. LCR में फिर से वही बात आ गई. तो भाई XL minus XC is equal to zero, तो XL is equal to XC, तो Z is equal to R, तो Z is equal to minimum, I is equal to maximum, and therefore power is equal to maximum. LCR सर्किट में पावर मैक्सिमम है रेजोनेंस पे. ये तो पूरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है. जो जो बातें आपने प्योर रेजिस्टेंस के बारे में बोली हैं, वो सारी बातें आप यहाँ LCR एट रेजोनेंस पे बोली सकते हैं. इतना ही था ये.
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 7.7 देखते हैं, कहता है ए फॉर सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन एक्सप्लेन। कहता है पावर आप जब ट्रांसपोर्ट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर तक, तो अगर लो पावर फैक्टर होगा तो पावर लॉस ज्यादा हो जाएगा, इससे एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही यूजलेस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मैथमेटिकल बातें ज्यादा करनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सॉल्यूशन इसकी पढ़ रहा हूँ। कहता वी नो दैट आई इज गुड टू वीआई पी इज गुड टू वीआई कॉस फाई, कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर, द सप्लाई इज गिवन सप्लाई टू सप्लाई अ गिवन पावर मतलब कांस्टेंट पावर एट अ गिवन वोल्टेज, पावर भी फिक्स्ड है और वोल्टेज भी फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन लिख दीजिए, हम पढ़ा तो देते हैं, इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। तो लिख दीजिए कि इन ट्रांसपोर्टिंग पावर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग पावर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर लो पावर फैक्टर रिजल्ट्स इन लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। लो पावर फैक्टर अगर होगा इट विल रिजल्ट इन लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। बिजली पैदा होती है कहीं और यूज हम लोग कहीं और करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइंस से होती हुई बिजली हमारे घर तक आती है। कह रहा है पावर का फॉर्मूला है बी आई कॉस फाई। अब वो कह रहा है अगर इसमें एक ये भी फिक्स हो और ये भी फिक्स हो, आपको गिवन पावर भेजना है और उसका वोल्टेज तो हिंदुस्तान हर वोल्टेज तो हमेशा कर फिक्स्ड होता ही है, ऐसा लिख दीजिए। टू ट्रांसमिट गिवन पावर एट अ गिवन वोल्टेज, मतलब पी भी फिक्स्ड है और वी भी फिक्स्ड है। If cos phi is less, I will be more. Power fixed है और V भी fixed है, तो सिर्फ I cos phi variable बचा। तो अगर cos phi less है, power factor less है, तो I ज़्यादा होगा। और I ज़्यादा होगा तो जो transmission losses है, जो transmission line का resistance है, उस resistance पे होने वाला loss, I square R loss वो ज़्यादा हो जाएगा। Transmission line का जो रास्ते में ही जो resistance इसको सामना करना पड़ेगा हमारे घर में power को घुसने के पहले, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आर है, ये ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे जो पावर खर्च हो जाएगा फिर वो ज्यादा लॉस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता। अगर पी फिक्स है और वी फिक्स है तो कॉस फाई अगर कम होगा तो आई ज्यादा होगा और उससे आई स्क्वायर आर लॉस ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस ज्यादा हो जाएगा। 7.7 का पार्ट बी कहता है पावर फैक्टर कैन बी इंप्रूव्ड बाय द यूज ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट एक्सप्लेन। तो ये शायद आप क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, हाउ कैन द पावर फैक्टर बी इंप्रूव्ड, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते, ये जरूर एक स्टार दे दीजिए। और इसका जवाब है बाय यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटर इन द सर्किट। सर्किट में एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस लगा दीजिए, उससे आपका पावर फैक्टर सुधर जाएगा। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन की ही बात कर रहे हैं, अब उसका पावर फैक्टर कम है तो क्या करें, उस सर्किट में कैपेसिटर्स इंक्लूड कर लीजिए, उस सर्किट में सूटेबल कैपेसिटर इंक्लूड कर लीजिए। सॉल्यूशन में देख रहा हूँ बी में कह रहा है सपोज इन अ सर्किट करंट आई लैग्स द वोल्टेज बाय, मतलब बेसिकली जो सर्किट होते हैं ना, एक्चुअली जो ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट होता है ये इंडक्टिव सर्किट होता है, इनमें इंडक्टेंस होता है, इनमें पड़ोस में कुछ करंट वेरी होगा तो साइड इसमें ये में पैदा हो ही जाएगा, बेसिकली इंडक्टिव सर्किट होता है। और अब कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर बाय जेड, ऐसा आप लिख दीजिए, चलिए इफ वी हैव टू इंक्रीज कॉस फाई जेड शुड बी डिक्रीज्ड। अगर आपको कॉस फाई बढ़ाना है तो जेड को घटाना पड़ेगा, जेड को घटाना पड़ेगा। और ये भी बोल दीजिए कि अवर ट्रांसमिशन लाइन सर्किट इज बेसिकली एन एलआर सर्किट, ट्रांसमिशन लाइन जो सर्किट है वो बेसिकली एलआर सर्किट है। तो मैं अगर मैं ये कर दूंगा सर्किट में तो एक्स वाला टर्म का वो छोटा हो जाएगा, ये टर्म छोटा हो जाएगा, तो अब जेड कम हो जाएगा। अगर सिर्फ आर होता तो फॉर्मूला ये आता एल आर सर्किट,
ये अलाव सर्किट के लिए हो जाएगा, पर अगर मैंने कैपेसिटर इंक्लूड कर लिया सर्किट में तो ये वाला टर्म छोटा हो गया ना, ये एलसीआर टाइप का हो गया, मैंने सर्किट में कैपेसिटर इंक्लूड कर लिया, बस अब जेड कम हो गया तो पावर फैक्टर सुधर गया। एल आर सर्किट अगर है पहले से, अगर आपको ये पता है तो एल आर सर्किट का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए आप सर्किट में कैपेसिटर को इंक्लूड कर लीजिए, यही कुछ उसने बोला है। वी कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर बाय मेकिंग जेड टेंड टू आर, जेड करीब करीब आपका आर हो जाए, तो बस उसके लिए तो सही है कि एक्स एल और एक्स सी पूरे पूरे खत्म हो जाए करीब करीब आपके। हाँ, इसमें इसने आगे बात की है, यहाँ तो खैर हो गया, वॉटलेस करंट के बारे में बात कर रहा है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लास्ट लाइन कह रहा है, लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है सॉल्यूशन के, इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस दैट इफ वी वांट टू इंप्रूव पावर फैक्टर वी मस्ट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द लैगिंग वॉटलेस करंट। तो आप तो बस अभी तो इतना ही लिख दो, तो मैं दोबारा पढ़ाता हूँ उसको, आप लिख दीजिए कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एक्स एल या टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्स एल, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्स एल वी मस्ट इंक्लूड एक्स सी इन द सर्किट, एक्स एल के असर को खत्म करना है, एक्स एल के असर को खत्म करना है तो सर्किट में एक्स सी को इंक्लूड कर लेना चाहिए, ये बात है जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब जरूर बड़ी सुंदर बात होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, और ये हेडिंग दे दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ एसी का, ये इसी में इसी एक्सप्लेनेशन के बीच में इसमें फिगर 7.7 में ही 1.7 में ही कह दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसने ऐसे ही छुपा के कह दिया। मैं पूरा डायग्राम तो नहीं कह रहा हूँ, पूरा डायग्राम तो नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एसी सर्किट में टोटल वोल्टेज और टोटल करंट में एक एंगल होता है, ऐसा ही लिख दीजिए। पूरा डायग्राम मैं आपको नहीं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा ही लिख भी दीजिए कि इन एसी सर्किट देयर इज सम एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट। दस अब इस करंट को आप रिजॉल्व करिए, लिख दीजिए दिस करंट शुड बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, यह करंट दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहिए, वन अलोंग द वोल्टेज एंड वन परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, दिस करंट शुड बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग द वोल्टेज एंड वन परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, अलोंग द वोल्टेज एंड परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, इसको मैं इधर रिजॉल्व करता हूं और यह आई साइन फाइव, और इसको मैं यहां रिजॉल्व करता हूं और यह आई कॉस फाइव, जो आई कॉस फाइव है इसका नाम है पावर कंपोनेंट ऑफ करंट, यह पावर कंपोनेंट और यह है पावर लेस, दैट इज वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। बस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एसी करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक पावर कंपोनेंट एक पावरलेस कंपोनेंट। जब वोल्टेज और करंट फेज में है, यहाँ वोल्टेज और ये वाला करंट फेज में, इसी की वजह से तो पावर का मतलब आई कॉस फाई आया था, आई कॉस फाई जो है पावर खाता है और आई साइन फाई तो वोल्टेज के पूरी तरह 90 डिग्री पे है, I sin phi, तो अगर ये करंट I डैश है, अगर ये करंट I डैश है तो पावर हो जाएगा V I डैश cos 90, ये एंगल 90 है ना। खैर, आपको बस ये याद करना है कि I cos phi का नाम है पावर कंपोनेंट और I sin phi का नाम है वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। एग्जाम में वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट के आने की पूरी संभावना है, काफी संभावना है, पूरी तो नहीं काफी संभावना। देखिए प्योर L या प्योर C में तो सारा का सारा करंट प्योर एल या प्योर सी में तो पूरा करंट वॉटलेस करंट ही होता है, वहां में लिखवाया था करंट इज एंटायरली वॉटलेस, पर अगर ये एल आर है या आर सी है तो फिर करंट के दो कंपोनेंट हैं, एक आई कॉस फाई भी है, करंट एंटायरली वॉटलेस नहीं है।
प्योर एल और प्योर सी में ये एंगल पूरी तरह 90 डिग्री होता है, तो पावर हो जाता है वीआई कॉस 90, तो टोटल पावर हो जाता है जीरो। यहाँ पे पावर पूरा जीरो तो नहीं है, करंट पूरा तो वॉटलेस नहीं है, यहाँ करंट एंटायरली वॉटलेस है, यहाँ थोड़ा पावर कॉम्पोनेंट भी है और थोड़ा पावरलेस कॉम्पोनेंट भी है। एंगल जो 90 डिग्री पे है उसका तो कॉस 90 जीरो ही आएगा ना, जो 90 डिग्री पे है उसका तो कॉस 90 जीरो ही आएगा, तो वॉटलेस करंट है। एक वार्निंग लिख दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी काफी संभावना है कि कैलकुलेटिव वॉटलेस कॉम्पोनेंट ऑफ द करंट, इसमें आप ध्यान रखिए कि वॉटलेस कॉम्पोनेंट इज आई साइन फाइव, I sin phi, but here I is RMS. Cos phi आपको पता है तो आप sin phi कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेंगे, cos phi पता है तो sin phi निकाल ही लेंगे। एक गलती हो जाने की संभावना है कि शायद आप I RMS वाला ना लें। I sin phi में भी जो I है वो RMS वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हमने पूरी कर ली, कहता है the applied voltage V and I perpendicular to the applied voltage, as we have learned this much, is called the wattless component. Since corresponding to the, this component of the current, there is no power loss. This is known, दूसरा जो current है IP is known as the power component because it is in phase with the voltage. या आप चाहो तो दोबारा लिख दो, the current which is in phase with the voltage is called power component. The current which is in phase with the voltage is called the power component and is responsible for power loss in the circuit. Is responsible for power loss in the circuit. जो current के phase, जो current जो voltage के phase में है, उसको power component कहते हैं, और यही power loss के लिए जिम्मेदार है। बस। जो power का circuit, power AC circuit में जो power का formula है, V I cos phi, उसे हम कह सकते हैं V into I, कौन सा वाला? IP, power component. ये current का power component. यहाँ भी पावर V into I है, पर करंट वो लो, डीसी सर्किट में भी तो वोल्टेज और करंट फेज में होते थे, डीसी सर्किट में तो फेज एंगल जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो यहाँ भी आप वो करंट लो जो वोल्टेज के साथ है, वह करंट जो वोल्टेज के साथ है वो I cos phi है, तो फॉर्मूला वहां भी VI था, यहाँ भी VI है, पर आप यहाँ वो I लीजिए जो वोल्टेज के साथ है। ठीक है, एग्जाम्पल 7.8 देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल जो 7.7 था वो यूजलेस था, हाँ उसके अंदर एक अच्छी गहरी छुप के बात उसने दी हुई है, मेन थियोरी में नहीं पढ़ाया, इसलिए वॉटलेस करंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से वॉटलेस करंट जो मैंने लिखा है आई साइन फाई, उससे मैं वास्ता देना चाहूँ। एसी करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक पावर कंपोनेंट एक पावरलेस कंपोनेंट, पावरलेस कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.8 करा है, साइनसॉइडल वोल्टेज है, पीक वैल्यू 283 है, आप इसे रूट 2 से डिवाइड करिएगा तो आरएमएस मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, LCR सर्किट है, R भी दिया, L भी दिया, C भी दिया, XL और XC नहीं दिया है, L और C दिया है। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो डायरेक्ट XL और XC देगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाएगा, वो आपको तीनों चीजें ओम्स में देगा। यहाँ इसने एक जानकारी ओम्स में दी है, एक मिली हेनरी में दी है और एक माइक्रो फैराड में दी है, फ्रीक्वेंसी को पहले दे ही चुका है, फाइंड करना इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो इंपीडेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले XL निकाल लूंगा ओमेगा L से, XC निकाल लूंगा 1 बाय ओमेगा C से, और फिर Z का फॉर्मूला है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो Z उस तरीके से निकल आएगा। देखते हैं कुछ कैलकुलेशन में कुछ खास आ रहा है क्या, XL आ रहा है 8 ओम्स और XC आ रहा है 4 ओम्स, हाँ ये रेजोनेंस का केस नहीं है, ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये रेजोनेंस का केस तो नहीं है। XC आ रहा है 8 ओम्स, सॉरी XC आ रहा है 4 ओम्स और XL आ रहा है 8 ओम्स, तो ये हम देखते हैं R है शायद R की वैल्यू है 3 ओम, XC आ रहा है सॉल्व करने के बाद 4 ओम और XL आ रहा है 8 ओम, ऐसा ही कुछ है, तो Z हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर होगा, मतलब तो यहाँ कुछ भी सीधे सीधे तो ऐड होता ही नहीं है, फाइनली पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी, बस यही आपको ध्यान रखना है, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो Z है वो 5 है, सीधे सीधे यहाँ ना तो करंट्स ऐड होते हैं AC सर्किट में, ना वोल्टेज ऐड होते हैं और ना ही ओम्स ऐड होते हैं, सब पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। बी कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट, बस फेज डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस, आगे पीछे कुछ नहीं,
जो कुछ भी उसने कहा है सब कचरा है, तो फेज डिफरेंस मैं cos phi से निकाल सकता हूं r by z, मैं cos phi से निकाल सकता हूं r by z, तो वो है 3 by 5। हां ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब दे दिया होते उससे डायरेक्टली तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में वो आपको डायरेक्टली ओम्स में बातें करेंगे, फैरेड्स में और हेनरीज में बातें नहीं करेंगे, और z निकालने को कहेंगे या cos phi निकालने को कहेंगे। अब ये 3-4-5 ट्रायंगल है, आप जानते हैं 3 है और 4 है, 5 है, ये 5 और 3 के बीच में ट्रायंगल है, 30 डिग्री है, और फिर ये बीच में ये ट्रायंगल है, 37 डिग्री है। अगर मैं cos phi की वैल्यू 3/5 कर रहा हूं तो cos phi की वैल्यू बड़ी आ रही है, 0.6 आ रही है, और इस समय जो phi आएगा वो इस एंगल के लिए आया 37 डिग्री नहीं 53 के लिए, बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज। phi जो है वो cos inverse of 3/5 है, और ये बेस होना चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो जो फेज एंगल है वो 53 डिग्री, जो फेज एंगल है वो 53 डिग्री है, cos phi is r by z, r 3 है और z 5 है। हाँ, और इसने तो अच्छा ये किया है, बेहतर ये किया है कि 10 phi cos phi की जगह ज्यादा अच्छा यही है। देखिए z तो जरूरी नहीं कि सवाल में आपको पता, ये मेथड ठीक नहीं है, 10 phi वाला मेथड ही बेहतर है। 10 phi है xl minus xl by r, यही बेहतर है, और 10 phi हो जाएगा x की वैल्यू शायद 4 है और xl की वैल्यू 8 है और ये 5 है, तो ये minus 3/5 हो जाएगा। इसमें आपको पता लग जाएगा, एक तो 3/5 को सोचना ज्यादा आसान, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये परपेंडिकुलर होगा सर, माइनस 8 वो माइनस 4 होगा, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 ऊपर 4 आ गया, नीचे 3 है, 4 माइनस 8 4/3 है, सर 4/3 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस है, और इंपॉर्टेंट बात ये माइनस साइन अपने आप आपको बता रहा है कि भाई आपका सर्किट लैगिंग सर्किट है, एक्सएल डोमिनेटिंग, माइनस 53.1 डिग्री आपको बताना है। शायद फाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो आपको जेड देता नहीं है डायरेक्टली, हाँ वो एक्स सी देता है, एक्सएल देता है और आर देता है, ये जानकारी ज्यादा सवाल में बेसिकली दी गई। पार्ट ए में जो हमने निकाला हम उसके दम पे सवाल सॉल्व ना करें, ये दिया था, तो ज्यादा अच्छा फॉर्मूला डेफिनेटली ये है, और इसका फायदा ये है कि एंगल प्रॉपर साइन के साथ भी आ जाएगा। अगर आपका टेन फाइव नेगेटिव वाला है, इसका मतलब ये एलआर सर्किट, अगर टेन फाइव नेगेटिव वाला है मतलब ये एलआर सर्किट है, और अगर टेन फाइव पॉजिटिव वाला है मतलब ये आरसी सर्किट है। अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो आंसर नेगेटिव साइन के साथ तो आना ही चाहिए था। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, सी पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर तो cos phi = r / z आधा डाल लीजिए उसकी, वो भी इजीली क्लिक करती नहीं है चीजें शुरू शुरू में, और पावर डिसिपेटेड तो बढ़िया vi cos phi, पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला है vi cos phi = i² r, पता नहीं क्या किया जाए, पावर का फॉर्मूला बेसिकली तो vi cos phi है, और मैं तो शायद यही करूंगा कि आई स्क्वायर आर है और ई बाय जेड का स्क्वायर इनटू आर, मुझे लगता है ये फॉर्मूला शायद ज्यादा आसानी से न्यूमेरिकल में सॉल्व हो जाता है। आर दिया है, वी दिया है, एक पहले जेड भर और निकालना है, आई थिंक दिस फॉर्मूला वुड हैव बीन द बेस्ट, इसी की आदत ज्यादा डालो, ये तो सबको बनता पता है, इसलिए शायद इसके सवाल ना आए, मेरे हिसाब से ये ज्यादा फायदेमंद है, इसी पर ज्यादा ध्यान दो, आई को वी बाय जेड लिखो, देखो सवाल में वी डायरेक्टली दिया है और सवाल में आर डायरेक्टली दिया है, बस जेड निकालो और पावर निकल आएगा, और पावर के न्यूमेरिकल बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉर्मली लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। पावर फैक्टर इसके बाद है cos phi, और पावर फैक्टर अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको नेगेटिव साइन के साथ देना पड़ेगा। पावर फैक्टर cos phi जो है ना, एंगल जो है वो 0 और 90 के बीच में रहता है, तो phi में भी नेगेटिव, phi में भी नेगेटिव, बट cos phi इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि cos अगर आप यहां होगा
अगर -53 यहां पर डिग्री एंगल है तो भी cos phi पॉजिटिव है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि phi कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट cos phi इज ऑलवेज पॉजिटिव। phi पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, बट cos phi हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारे जो एंगल्स हैं वो -90 और +90 के बीच में लाया करें। जिन एंगलों की आप बात कर रहे हैं वो -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में बात करेंगे, और यहाँ पूरा का पूरा cos phi पॉजिटिव होता है। phi पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, पर cos phi केवल पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल 7.9 देखते हैं। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ प्रीवियस एग्जांपल कैन बी वेरीड, फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर सकते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट व्हिच रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस तो ठीक है, ओमेगा का फार्मूला 1/√LC कर दीजिए, एल भी दिया है आपको, सी भी दिया है, और ओमेगा का फार्मूला 1/√LC कर दीजिए। आप ऑप्शंस में देखिएगा कि उसने रेडियन पर सेकंड में बात की है कि हर्ट्ज में बात की। अगर हर्ट्ज में ऑप्शंस हैं तो आपको एफ निकालना है जो कि 1/2π√LC है, एल भी उसने दिया है, सी भी दिया है, तो ये पार्ट मेरा हो गया। बी कहता है कैलकुलेट इंपीडेंस, इम्पीडेंस कब निकालना है, रेजोनेंस पे। इम्पीडेंस तो रेजोनेंस पे खाली जेड आर के बराबर होता है, हाँ रेजोनेंस की ही ये बात कर रहा है, रेजोनेंस पे तो जेड आर के बराबर होता है, तो वो तो सबसे ज्यादा आसान अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। फिर कहता था करंट, तो अब करंट सीधे सीधे वी बाय आर हो जाएगा, वी आरएमएस वाला लीजिएगा, आरएमएस करंट एट रेजोनेंस निकालना है तो वी बाय जेड होता है, पर यहाँ वी बाय आर हो जाएगा, वी आरएमएस वाला लीजिएगा, एंड पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट, ये भी प्योर रेजिस्टेंस जैसा ही है, तो बस आई स्क्वायर आर लगा दीजिए, आई स्क्वायर आर लगा दीजिए पावर में। कहता यू कैन सी दैट इन द प्रेजेंट स्टेट पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इज मोर देन द पावर डिसिपेटेड इन एग्जांपल 7.8 में उसने पावर दिखाया था, अब उससे ज्यादा पावर आ रहा है। 7.8 में पावर उसने कैलकुलेट तो करवाया नहीं था, पावर था कैलकुलेट 4800 वाट आया था, और यहाँ पावर 13.3 किलोवाट आ, वो 4.8 किलोवाट था। तो रेजोनेंस पे तो पावर मैक्सिमम होता ही है, हमें मालूम है रेजोनेंस पे जेड मिनिमम होता है, आई मैक्सिमम होता है, और पावर मैक्सिमम होता है, ये है सारी कहानी। वो फिर से लिख दीजिए, एट रेजोनेंस जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मिनिमम, जेड मिनिमम है, आई मैक्सिमम है, एंड पावर मैक्सिमम। बस इस पे भी दो स्टार दे दीजिए। अब हम एक लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं 7.10, दैट इन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजंस इफ ही और शी इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द डिटेक्टर वर्क। अब ये क्वेश्चन 2015 में 12th बोर्ड में आया, और 2015 में हमारे यहां से बेस्ट एवर रिजल्ट आया था भरत कुंभांबेकर AIPMT में AIR3 और AIIMS में AIR15, और 12th बोर्ड में जो ये क्वेश्चन आया था तो भरत कुंभांबेकर इसका आंसर शायद गलत करके आए थे। तो NCERT की लाइनें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो होती हैं, तो इस चैप्टर में अगर ये पढ़ा रहा है और जस्ट रेजोनेंस के बाद पढ़ा रहा है तो शायद शायद इसका आंसर है रेजोनेंस। तो आप हेडिंग दे सकते हैं, लिख दीजिए प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। एक बार ये एग्जाम में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बचा नहीं वैसे, पर हाँ अगर ये 12th बोर्ड में पहले आया है तो आप कभी नीट में आ तो सकता है। कहता है मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, बस सीधे से जवाब ले दीजिए रेजोनेंस, प्रिंसिपल मेटल डिटेक्टर का प्रिंसिपल है रेजोनेंस, बस इतना याद करना काफी, कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए, बट रेजोनेंस ध्यान रखना है बस। कहता है एसी सर्किट में व्हेन यू वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर यू आर इन फैक्ट वॉकिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ट्यून टू द सर्किट इज इन रेजोनेंस, व्हेन यू वॉक थ्रू विद मेटल इन योर पॉकेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट चेंजेस रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट चेंज इन करंट इन द सर्किट। ऐसा आपको चाहें तो कुछ लिखना है कि इफ we have metal, the impedance changes, so current changes, metal होने से शायद excess capacitance change हो जाएगा ना, और जिस पाथ में से आप पास हो रहे हैं शायद वहां पर वो प्लेट्स हैं और अब आप मेटल लेके गुजर गए तो बीच में जब मेटल आएगा तो सिस्टम का कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। अब डायलेक्ट्रिक के स्थान पे मेटल आ रहा है तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, सो लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट चेंजेस
वो उतने डिटेल में हमें जाना नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो सर्किट का करंट भी चेंज हो जाएगा, और ये जो करंट चेंज होगा इसको हम लोग समाउ डिटेक्ट कर लेंगे, और बस उससे फिर हम एक किसी दूसरे सर्किट को एक्टिवेट कर देंगे जो साउंड पैदा करेगा, एक दूसरे सर्किट को एक्टिवेट कर देंगे जो साउंड पैदा करेगा। तो बस यही है कहानी। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।